Assalamualaikum my YouTube family and welcome back to my YouTube channel. कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. अच्छा भाई, आज मैंने जो अफ्तारी थी वो अम्मी के घर पे की थी. मैंने अम्मी को बोल दिया था कि आप बिरयानी बना लें क्योंकि मैं आज अफ्तारी आपके साथ करूँगी. तो अभी ऑल द वे मैं आयशा महक, अभी हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन मॉल. लेट्स सी कि हम लोग क्लिफ्टन वाले जाते हैं या फिर तारिक रोड वाले, वो डिपेंड करते हैं कि हमें रश कितना मिलता है. तो आप लोग यकीन करें क्योंकि शुरू के कुछ अर्शों में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की. सो दिस इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ शॉपिंग. ठीक है, बट ये जो मेरी ईद है इसकी अब मैं शॉपिंग करूँगी. अब मैंने तो बस मुझे ईद ही दे दी थी, लेकिन अब मैं रेडी हो गई हूँ अम्मी, क्योंकि हमारे घर पर आज मेहमान आए हुए हैं तो अम्मी घर पर ही हैं. तो मैं काफ़ी, मैं और आयशा जा रहे हैं. बस चले आ गया, हम लोग निकल रहे हैं. और चलो आ जाओ भाई, पानी की बोतल रख लीजिएगा. तरह की मुझे शॉपिंग करनी है अपनी भी, और आज मैं सारी करके ख़त्म करूँगी. तो बस चले आने, डॉल्फिन मॉल में मिलते हैं. तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं और रश बहुत ज़्यादा था तो हम लोग डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन नहीं गए, हम लोग तारिक रोड वाले पे आए. तो बस चले आ जाए और शॉपिंग स्टार्ट करते हैं. हो गई बात, बस चले आ जाए. मैंने और आयशा ने अपनी ईद की जो सप्ले थी वो हम लोगों ने ले लिए हैं. चले आ जाए. समझ में आ रही है ड्रेस के साथ? दिखाओ. अगर मैं ड्रेस अपना ले लेती हूँ ना तो फिर मैं भी. वाह आयशा, कौन से वाले ड्रेस के लिए? इस पर डिस्काउंट है आपका? वाह, चलो मैं भी अपना ड्रेस देखती हूँ और फिर उसके बाद. तो ये देखे, मैंने अभी अपनी जो है वो स्लीपर्स ले लिया और मैं ड्रेस लेती हूँ, फिर यहाँ से आके अपनी ज्वेलरी लूँगी. आ जाए. कितना अच्छा लग रहा है ना. क्या प्राइस है इसके भाई? ये 1050 का, आफ्टर डिस्काउंट 800. ये भी ऑफ स्टाइल है. बस अपना ड्रेस लेती हूँ ना तो मुझे ज्वेलरी यहीं से ले लूँगी. आयशा ने भी यहीं से ली थी. देखिए गाइज, आप लोग भी यहाँ पे आइएगा. तो बस चले आ जाए, कलर में ड्रेस देती हूँ और ब्लैक बाद में यहाँ से आके अपनी ज्वेलरी लूँगी. नहीं, ये अच्छा ही लग रहा है ना. और भी दिखाती हूँ आपको, मुझे ये समझ में आएगा. इसे देखिए आप लोग, 3 पीस है ना ये पूरे कम्प्लीट है. और मीडियम साइज, ठीक है. मैं दुपट्टा निकालें, मीडियम साइज में निकालें. देखिए पहले इसके लिए अच्छा लगेगा ना, क्योंकि गर्मी भी होगी. ये देखिए गाइस, बता कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना. मुझे भी कलर अच्छा लग रहा है. कलर भी स्ट्रॉन्ग कलर दूंगी. कलर एक ही डिजाइनर सूट बना, वन कलर डिजाइनर है ये, वन कलर. मैं इसको वेयर करके एक बार देख लेती हूं कैसा लग रहा है ना. गाइस वो ड्रेस मुझे समझ में नहीं आया है तो अब हम लोग कहीं और जा रहे हैं. वो ड्रेस मुझे समझ में नहीं आया. देखना, मुझे ये अच्छा लगा है ना. ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है. ये निकाले आप, डोंट लीव. ये भी अच्छा लग रहा है. क्या प्राइस है इसका? और दिखाती हूँ जो मैं ले रही हूँ. आज के ज़माने में जो है ना, एक सूट के लिए 25,000 रुपये होने चाहिए. 20,000 में तो कुछ भी नहीं आ रहा है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है. हम लोग कहीं और जा रहे हैं. चलें आ जाए. हम लोग पर अब लेट्स सी कि यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं. और आयशा अपनी ज्वेलरी ले रही हैं. तो बस अभी मैंने एक ड्रेस लिया है
और वो भी मैंने थर्ड डे का लिया है, फर्स्ट ईद का मैंने अभी तक नहीं लिया है। अगर लेती हूँ तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वरना हम लोग ऑल द वे यहाँ से क्लिफ्टन जाएंगे, डॉलमन मॉल वाला क्लिफ्टन। तो बस आप लोग भी हैं गाइस, ये देखें अब हम लोग ले रहे हैं चूड़ियाँ। वाओ प्यारी हैं, और ये देखें मेरा जो एक ड्रेस है वो है ये वाली लूंगी। कितनी प्यारी लग रही है, जबरदस्त। ये इसमें मेरा साइज दिखा दे भाई। अच्छा मैं कहा कि मेरा ड्रेस के साथ जाएगी ना, ये देखें। बट ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही है। वाओ ये देखें गाइस, इसमें भाई मेरा साइज निकाल के दे दे, मैं देख लूंगी फिर पहनकर। ये देखिए जैसी अम्मी पहनती हैं। मैं कहा आपको अम्मी का साइज पता है, मैं अम्मी के लिए ले लूंगी, अम्मी इस टाइप की पहनती है ना। सारे तीनों दिन के ड्रेसेस ले लिए हैं और वो मैं आपको सब दिखाऊंगी घर जाके, क्योंकि अभी बहुत जो है ना रश हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी बस मैं यहाँ पे एक और ड्रेस ले रही हूँ चांद रात का, जो जब मैं मेहंदी वगैरह लगवाऊंगी तो उस पर भी मुझे फोटो शूट कराना है। तो बस मेरे तीनों ड्रेस अलहमदिल्ला हो गए हैं और मैं आप लोग को सारी दिखाऊंगी जो जो मैं लूँगी और आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश था, बहुत हेडेक हुआ हुआ था, लेकिन ये कि सब चीज़ें कर करा के जो है ना शॉपिंग मेरी पूरी हो गई। मेरी यहाँ पर शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और जो मेरा ड्रेस था वो इन्होंने मुझे बोला है कि वो 2 बजे डिलीवर करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे साइज़ नहीं था तो वो डायरेक्ट 2 बजे मेरे घर पर आएगा। स्मॉल था और लार्ज था तो मुझे अब मीडियम आता है, तो उन्होंने कहा है कि आप पेमेंट कर दें, डिलीवर हम आपके घर पर खुद कर देंगे इन ड्राइव के थ्रू। तो बस मेरी शॉपिंग यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है। तो बस चले आ जाओ, ड्रेस का कलर बहुत प्यारा है, मैंने अपनी पहली ईद का ड्रेस यहाँ से लिया है। तो बस चले आ जाए, ड्रेस मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो 2 बजे लोग मेरे घर पर डिलीवर करेंगे। तो बस अब मैं पेमेंट करती हूँ और आ जाएँ आप लोग मेरे साथ। हम घर पे जा रहे हैं, थक कर मैं चोर हो गई हूँ, मैं काफ़ी खाऊंगी। चलो हो गई सारी शॉपिंग गाइस, वीडियो में कुछ खा रही हूँ। मैं एक ड्रेस लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम निकलेंगे घर के लिए और अब बस मैं पे करूंगी और बस आ जाएं। तो बस ये रहा मेरा एक और ड्रेस जो कि मैंने लिया है नकूच से। चले अब आ जाएं, अब हम लोग गाइस बस मैंने ये इस ड्रेस के साथ मुझे अब ज्वेलरी ले ली। यहाँ पर महकापी जो है ना मुझे मेरे ड्रेस के साथ, महकापी ने ड्रेस लिया हुआ है, ड्रेस के साथ जो है ना महकापी मुझे ज्वेलरी पसंद करवा रही हैं। तो ये देखें, और जो मेरा ड्रेस है उसके साथ ये वाली जा रही हैं, और जो सेकेंड डे का है उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली ले लूँ। महकापी ये जाएंगी ईद के, जो मेरा सेकेंड ड्रेस है ये वाली, ये देखें कलर थोड़ा सा कलर नहीं जाएगा ना ईद के लिहाज से। मैं काफ़ी मेरे ड्रेस के साथ की मुझे ज्वेलरी दिला रही है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ज्वेलरी का इतना अंदाज़ा नहीं है। ये देखें इतना प्यारा है, ये देखिए थोड़ा सा हैवी हो क्योंकि सूट है ना थोड़ा सा दिखाएं। ये जाएगा मेरे ड्रेस के साथ में काफ़ी, हाँ प्यारा लग रहा है। तो मैं लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ घर भी। रात का 1 बज रहा है एंड आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें कि कितनी ज़्यादा रौनक हुई है, और रात का 1 बज रहा है माशाल्लाह से। ये देखें मैंने अपनी शादी पे सारे ड्रेसेस काशी के पहने थे, एक तो देखा सामने हैंग भी हो रहा है, मैं मेहंदी पे पहना हुआ था। ये देखें A few moments later. मुर्गो उसके घर से पिक कर लिया है, अब बस मेरी थोड़ी शॉपिंग रह गई क्योंकि मैं बिजी था। तो बस मैं खेड़ी लेने जाऊंगा कल, जो कि मैंने लेनी है, मैं खासे ब्राउन या ब्लैक कलर की लूंगा, देखूंगा कल। तो बस आइए चलते हैं घर और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। और मैं अभी बहुत थक गई हूँ इसलिए मैंने शॉपिंग नहीं दिखाई है, पूरे 5-6 घंटे शॉपिंग पूरा शॉपिंग हॉल एक साथ आप लोग को दिखाऊंगी। तो आवाज से पता चल रहा है थक चुकी है बड़ी। मैं तो बड़ी चलूँ क्योंकि मैंने संबल को पकड़ा दिए थे पैसे, मैंने कहा जाओ
मेरी भी शॉपिंग करो और अपनी भी करो ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ. बस इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ. और डू लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, खुदा हाफिज़.